इमेजिन करो, आपके सामने 500 रुपए का नोट पड़ा है और आपकी नजर उस नोट पर गई एंड आपने नोट उठाने के लिए जल्दी से नोट के ऊपर पैर रख दिया ताकि उसे कोई और ना उठा ले। लेकिन तभी किसी और ने भी नोट को देख लिया। अब वो इंसान आपके सामने खड़ा है ताकि जैसे ही आप नोट से पैर हटाएं कि वो आपसे नोट ले ले। यही सोचकर आपने नोट से पैर नहीं हटाया। 10 मिनट हो गया आपने पैर नहीं हटाया, तो अब आप बताइए आप कितनी देर तक खड़े रहेंगे। मुझे पता है इसका आंसर आपके पास भी नहीं होगा। ये तो इस चीज पर डिपेंड करेगी कि आप कितनी शिद्दत से उस नोट को पाना चाहते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि आप नोट लेने के लिए आधे घंटे तक वैसे ही खड़े रहें या फिर उससे भी ज्यादा देर तक रहें, जब तक आपको पैसे ना मिल जाए। हो सकता है आप सोचें कि ये बातें मैं क्यों बोल रहा हूँ। मैं ऐसा इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पैसों के लिए लोग कई बार इस तरह की ऊट पटांग चीजें करते हैं। सिर्फ यही नहीं, शॉपिंग के दौरान कुछ पैसे कम करवाने के लिए कई लोग तो 2 घंटे तक दुकानदार से बार्गेनिंग भी कर लेते हैं, क्योंकि उनके लिए पैसा हर चीज से जरूरी है, इवन टाइम से भी ज्यादा जरूरी है। पर ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, मनी इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, इट्स जस्ट लाइक अ टॉयलेट पेपर, जो आपको अपनी उंगलियों पर नचाता है और आप एक गुलाम की तरह इसके पीछे भागते हैं। लेकिन आपको पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि ऐसा कुछ करना चाहिए कि पैसा आपके पीछे भागे, मतलब पैसा आपके लिए काम करे। पर अगर हम अपने देश को देखें तो इंडिया में हर कोई पैसों को भगवान की तरह मानता है, चाहे 20 की एज का आदमी हो या 50 की एज का कोई आदमी हो, सब पैसे के लिए ही काम कर रहे हैं और पाई पाई जुगाड़ कर खुद को एंड अपने बच्चों को अच्छी लाइफ देने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पेरेंट्स ने भी हमारे लिए ऐसा किया है और हमें इस लायक बनाया है कि हम अच्छी जॉब कर सकें। हम में से कई लोग तो अच्छा जॉब कर भी रहे हैं, लेकिन अमीर कोई नहीं है। सभी हमारे पेरेंट्स की तरह 9 to 5 के चक्कर में फंसे हैं। तो जरा सोचो, अगर हम अपनी लाइफ हमारे पेरेंट्स की तरह जिएंगे, देन जाहिर सी बात है कि हमारे आगे की लाइफ हमारे पेरेंट्स की तरह ही होगी। अब आप बताइए, ऐसे में क्या हम अमीर बन पाएंगे? नहीं, राइट? पर क्यों? Well, इस सवाल का जवाब रॉबर्ट कियोसाकी आपको अपनी फेमस बुक में देते हैं। रॉबर्ट कहते हैं, मेरे 2 डैड थे। मेरे पुअर डैड हमेशा जॉब और सैलरी को इम्पोर्टेंस देते थे, वहीं मेरे रिच डैड एसेट्स बिल्डिंग पर फोकस करते थे। सैलरी को सब कुछ मानने की वजह से मेरे पुअर डैड हमेशा गरीब रह गए, लेकिन एसेट्स बनाने की वजह से मेरे रिच डैड इतने अमीर हैं। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हम यहाँ किस बुक की बात कर रहे, तो जल्दी से बुक का नाम भी कमेंट कर दीजिएगा। तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं और क्यों हम अमीर नहीं बन पा रहे हैं। आप यही सोच रहे हैं, हम भी पुअर डैड की तरह सिर्फ अपने सैलरी पर डिपेंडेंट है, इसीलिए हम गरीबी की जिंदगी जी रहे हैं। हमें अपने रिच डैड की तरह अमीर होने के लिए एसेट्स बिल्डिंग पर ध्यान देना चाहिए, जो नॉर्मली हम लोग कभी नहीं देते हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे एसेट्स के बारे में बताऊंगा जिसमें आप अपने पैसे इन्वेस्ट करके अमीर बन सकते हैं और जो गलती हम कर रहे हैं उसे भी सुधार सकते हैं। इसमें से कुछ एसेट्स ऐसे हैं जिसके बारे में बहुत से लोगों ने तो सुना भी नहीं होगा, इसीलिए वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, लैंड। आपने लोगों को कहते सुना होगा, ये कोई घर है इतना छोटा, गांव में हमारी खुद की जमीन है। आज से 10 साल पहले लगभग हर नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी के पास अपनी जमीन होती ही थी, क्योंकि लैंड एक ऐसा एसेट है जिसकी प्राइस कभी कम नहीं होती। चाहे आप कोई जमीन खरीदे, घर खरीदे या फ्लैट, आपका पैसा कभी भी वेस्ट नहीं होगा। जबकि वहीं अगर आप अपना पैसा कार बाइक जैसी चीज में खर्च कर दें तो आपका पैसा समझो बर्बाद हो गया, क्योंकि ये चीजें आपको पैसा बनाकर नहीं देंगी, उल्टा ये आपके और पैसे खर्च कर देंगी। लेकिन वहीं जमीन पर पैसे इन्वेस्टमेंट करने से हर बढ़ते साल के साथ उस जमीन की कीमत बढ़ती है, जिससे आपके फाइनेंशियली फ्री होने का चांस डबल हो जाता है। आपने देखा होगा, हर अमीर आदमी, चाहे वो बिजनेसमैन हो, सेलिब्रिटी हो या स्पोर्ट्स पर्सन हो या कोई भी, लैंड में अपने पैसे जरूर इन्वेस्ट करता है। पर क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि लैंड में पैसे इन्वेस्ट करने से बहुत से फायदे होते हैं, जैसे टैक्स बेनिफिट्स। अगर आप लैंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो टैक्स भरते टाइम आप अपना ये इन्वेस्टमेंट दिखाकर जमीन के लोन रीपेमेंट का डिडक्शन और डेप्रिसिएशन दिखाकर अपने टैक्सेबल अमाउंट को कम कर सकते हैं। और क्योंकि लैंड की कीमत हमेशा ग्रो करती है, तो इससे आप इन्फ्लेशन को भी ओवरकम कर सकते हैं। आज के टाइम में हर दूसरा बैंक आपको होम लोन देने के लिए बैठा है, तो आप इजीली OPM यानी अदर पर्सन्स मनी का यूज करके अपने लिए पैसिव इनकम सोर्स क्रिएट कर सकते हैं। और एक बार आपका पैसिव इनकम बन गया तो आप कुछ भी ना करें, उसके बाद भी आपके पास पैसे आते रहेंगे। कुछ साल पहले ही अयोध्या में 4-5 लाख रुपए में अच्छा फ्लैट मिल जाता था, लेकिन राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या की जमीन की कीमत इतनी तेजी से बढ़ी कि 4-5 लाख में बिकने वाला फ्लैट 25-30 लाख में बिक रहा है। पर अब
हर किसी के पास तो उतने पैसे नहीं है कि वो लैंड में अपने पैसे इन्वेस्ट कर सके, और इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोन भी कोई कितना ही लेगा, 2 लाख 4 लाख फिर भी ठीक है, पर अगर कोई इससे ज्यादा लोन लेता है तो लोन की ईएमआई देने में ही उसकी हालत खराब हो जाएगी। तो अगर अब लैंड जैसे सेफ्टी एसेट्स में पैसे इन्वेस्ट ना करें तो कहां इन्वेस्टमेंट करें, और यही आता है हमारा अगला एसेट नंबर 2, रेट्स। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। आपको म्यूचुअल फंड के बारे में तो पता ही होगा, रेट्स भी बिल्कुल म्यूचुअल फंड की तरह ही काम करता है। जिस तरह से म्यूचुअल फंड में कंपनी आपके बिहाफ पे बेस्ट कंपनीज चुनकर उनके स्टॉक्स में पैसे इन्वेस्ट करती है, ठीक उसी तरह से रेट्स में जो कंपनी या ट्रस्टी होते हैं वो रियल एस्टेट में कमर्शियल प्रॉपर्टीज जैसे होटल्स, मॉल, शॉप्स पर आपकी जगह पैसे इन्वेस्ट करते हैं, और फिर उन्हें उस इन्वेस्टमेंट में जो फायदा होता है उसमें आपका हिस्सा आपको दे दिया जाता है। रेट्स में जरूरी नहीं है कि आपका इन्वेस्टमेंट सिर्फ कमर्शियल प्रॉपर्टीज में हो, रेट्स में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज जैसे अपार्टमेंट और हॉस्टल्स में भी पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं। रेट्स के बारे में तो आपने समझ लिया, पर चलिए अब इसके फायदे भी देख लेते हैं। रेट्स में इन्वेस्ट करने का पहला फायदा तो ये है कि आप इसमें 500 रुपए से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको रियल एस्टेट की तरह बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं होती। दूसरा, रेट्स में जब आप अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो ये जिस भी प्रॉपर्टी में अपने पैसे इन्वेस्ट करता है, चाहे वो कमर्शियल हो या रेजिडेंशियल, उससे उन्हें एक पर्टिकुलर अमाउंट हर महीने रेंट के तौर पर मिलता है, जिसका 90% कंपनी डिविडेंड के फॉर्म में अपने कस्टमर को दे देती है। इससे आपका बैंक अकाउंट डिविडेंड के पैसों से हमेशा से भरा रहता है। रेट्स का तीसरा फायदा ये है कि जब कंपनी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करती है तो टाइम के साथ प्रॉपर्टी की प्राइस भी इंक्रीज हो जाती है, जिससे आपको कैपिटल एप्रिसिएशन का फायदा होता है। इन शॉर्ट बोलूं तो रेट्स कुछ नहीं बल्कि रियल एस्टेट का सब्स्टिट्यूट है। जब आपके पास रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए पैसे नहीं होते हैं तो आप रेट्स में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन दो एसेट्स ने अगर आपके मन में क्यूरियोसिटी जगा दी है कि आगे के 8 एसेट्स क्या होंगे, तो जल्दी से वीडियो को जाकर लाइक कर दीजिएगा। नंबर 3, लाइसेंसिंग। ये कुछ डिफरेंट लग रहा है ना, क्या कभी आपने इसके बारे में सुना है? अगर आप लाइसेंसिंग को रॉयल्टी समझ रहे हैं तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल ही अलग चीज है। लाइसेंसिंग एक तरह का एग्रीमेंट होता है जिसके अंडर आप अपना काम, सर्विस, प्रोडक्ट, आर्ट या फिर कोई भी चीज पैसों के लिए दूसरे को यूज करने के लिए देते हैं, और वन टाइम पेमेंट या फिर उनके सेल्स का कुछ हिस्सा कमीशन के तौर पर उनसे ले सकते हैं, जैसे मई 2018 में नेस्ले और स्टारबक्स ने किया था। हुआ ये कि नेस्ले ने $7.15 बिलियन की कॉफी लाइसेंसिंग की डील स्टारबक्स के साथ साइन की, जिसमें नेस्ले स्टारबक्स को $7.15 बिलियन देने वाला था, और इसके बदले स्टारबक्स नेस्ले को उसके प्रोडक्ट्स जैसे सिंगल सर्व कॉफी, चाय, बैग बिन्स को नेस्ले ने अपने ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से बेचने का राइट देना था। साथ ही इस डील में स्टारबक्स को अलग से नेस्ले के प्रोडक्ट्स की सेल्स पर रॉयल्टी मिली, मतलब 7.15 बिलियन तो स्टारबक्स को मिले ही, साथ में कमीशन मिला वो अलग। और देखो, ये सिर्फ एक एग्जांपल नहीं बल्कि ऐसे कई एग्जांपल्स हैं। आप माइक्रोसॉफ्ट को ही देखो, वो क्या करता है, माइक्रोसॉफ्ट सारे कंप्यूटर को अपना सॉफ्टवेयर यूज करने का परमिशन देता है, बट इसके बदले वो उनसे अच्छा खासा पैसा लेता है, साथ ही कंप्यूटर के हर सेल में उन्हें अलग से रॉयल्टी भी मिलती है। अब आप सोच रहे होंगे कि स्टारबक्स और माइक्रोसॉफ्ट तो बड़ी बड़ी कंपनीज है, हमारे पास ऐसा कुछ थोड़ी ना है। जो लोग उसका लाइसेंस लेने के लिए आपको पैसे दें, अगर आपके पास लाइसेंस पर देने के लिए कुछ नहीं है तो आप उसे क्रिएट भी तो कर सकते हैं, जैसे इस बंदे ने किया। स्टीफन की नाम के इस आदमी ने माइकल जॉर्डन का वॉल बॉल बनाया और उसे दूसरी कंपनी को बेच दिया, जिसके लिए उसे हर साल उस कंपनी की तरफ से 70 लाख रुपए मिले, एंड ऐसा कई सालों तक हुआ। और मजेदार बात यह है कि स्टीफन को ये अमेजिंग चीज बनाने में मुश्किल से $30 से $40 खर्च हुए। तो आप भी ऐसा कुछ करके उसे लाइसेंसिंग पर दे सकते हैं और लाखों रुपए कमा सकते हैं। नंबर 4, फ्लिप प्रोडक्ट्स ऑनलाइन। मुझे पता है इस नाम को सुनते ही आपके मन में यही आया होगा कि भाई ये क्या चीज है, ये थोड़ी कोई एसेट है। हमने तो आज तक एसेट्स के नाम पर सिर्फ लैंड, बिल्डिंग, गोल्ड, स्टॉक, बॉन्ड्स जैसी चीजों का नाम ही सुना है, तो अब ये कैसा एसेट हुआ? कोई भी चीज जिसमें एक बार पैसे इन्वेस्ट करने के बाद वो आपको पैसे बना कर दे, उसे एसेट्स कहते हैं। फ्लिप प्रोडक्ट ऑनलाइन को ऑनलाइन रीसेलिंग भी कहते हैं। अब ये क्या होता है, चलिए मैं समझाता हूँ। देखो, रीसेलिंग का मतलब होता है ऑनलाइन कम प्राइस में कोई चीज खरीद कर उसे ज्यादा प्राइस में बेचकर प्रॉफिट कमाना। चलिए मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। दिल्ली की सरोजनी मार्केट के बारे में तो आप जानते ही हैं। तो मान लो आपने सरोजनी मार्केट से कुछ स्टाइलिश कपड़े खरीदे और उन कपड़ों की अच्छी सी फोटो क्लिक करके अमेजोन, फ्लिपकार्ट या फिर मीशो पर लिस्ट कर दिया। साथ ही जितने में आपने वो कपड़े खरीदे थे उससे कुछ अमाउंट ज्यादा ही आपने प्राइस सेट किया। अब आप ऐसा तो करोगे नहीं कि सीधा सामान की प्राइस डबल या बहुत ज्यादा कर देंगे। कपड़ा हो या कोई भी चीज, आप उसके मार्जिन से 20-30% ज्यादा अपनी प्राइस सेट करेंगे और अपना प्रॉफिट निकाल लेंगे। जैसे मान लो आपने 300 रुपए की कोई शर्ट खरीदी, तो अपना प्रॉफिट रखने के बाद आप उसे 500 में बेच सकते हैं।
और रही बात प्रोडक्ट डिलीवरी की, तो जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप अपना सामान बेचेंगे, आपके जगह पर वो आपका प्रोडक्ट कस्टमर को डिलीवर करेंगे। आजकल लोग कोरियन ऑर्नामेंट्स को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, तो आप अपने लोकल मार्केट से सस्ते में कोरियन डिजाइन वाले लॉकेट्स, रिंग्स, ब्रेसलेट खरीद सकते हैं और उसे महंगे में ऑनलाइन बेच सकते हैं। नंबर 5, इक्विपमेंट। नो डाउट कार, बाइक जैसी चीजें भी शानदार एसेट्स होती है, पर क्योंकि लोग इसे खरीद कर इसका यूज ज्यादातर पर्सनल चीजों के लिए करते हैं, इसलिए ये एसेट्स आपके लिए लायबिलिटी बन जाती है। लेकिन अगर उसी कार या बाइक को आप किसी को रेंट पर दे दें, तो आप उससे पैसे कमा सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, आपके पास चाहे कोई भी इक्विपमेंट हो, अगर आप उसको यूज नहीं कर रहे, तो उसे रेंट पर देकर आप उस बेकार पड़ी चीज से भी पैसे कमा सकते हैं और बिना कुछ किए हर महीने का अपना पैसिव इनकम सोर्स क्रिएट कर सकते हैं। हर किसी के घर में कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर होती है जिसकी उन्हें जरूरत नहीं होती, तो ऐसी चीज को घर में सड़ाने से बेहतर है कि आप उसे किसी को दे दें जिन्हें उसकी जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके घर पर कोई गिटार है जिसका आप यूज नहीं कर रहे हैं, तो उस गिटार को घर पर दीमक लगाने से अच्छा है कि आप उसे किसी ऐसे को दें जिन्हें गिटार बजाना अच्छा लगता है। आप चाहे तो घंटों के हिसाब से अपना गिटार रेंट पर दे सकते हैं या फिर पूरे दिन के लिए। चाहे तरीका कोई भी हो, ऐसे आप अपने इक्विपमेंट को एसेट्स बनाकर पैसे कमा सकते हैं। मान लो आपके पास एक्स्ट्रा कार या बाइक है, तो आप उसे ओला, उबर या रैपिडो में लिस्ट कर सकते हैं। इससे आपको हर महीने अच्छा खासा रेंट मिल जाएगा। नंबर 6, डिजिटल एसेट्स। लैंड, कार या फिर घर जैसी चीज में पैसे इन्वेस्ट करना ठीक है, पर आज की दुनिया डिजिटलाइजेशन की तरफ तेजी से भाग रही है। अगर आप अब भी पुराने तरीके से पैसे कमाने के बारे में सोचेंगे, तो आपको अमीर बनने में जहां पहले 5 साल लगते, अब 10 साल लगेंगे। इसीलिए रियल एसेट्स में पैसे इन्वेस्ट करने के साथ साथ डिजिटल एसेट्स में पैसे इन्वेस्ट करना जरूरी है, क्योंकि जितना ज्यादा टाइम लोग अपने मोबाइल नाम के स्मॉल बॉक्स में खर्च करते हैं, उतने टाइम में अगर आप डिजिटल एसेट्स क्रिएट करके अपने लिए एसेट्स बना सकते हैं जिससे आपको बाद में फायदा होगा। अब आप सोचेंगे डिजिटल एसेट्स क्या होता है, तो देखो डिजिटल एसेट्स में कोई भी ऐसी चीज आ सकती है जिसे लोग डिजिटली खरीदते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर, डॉक्यूमेंट, ऑडियो बुक, पीडीएफ बुक, वीडियोस, कोर्सेज, वेबसाइट और ऐप। तो मान लो थोड़ा सा मेहनत और टाइम लगाकर आप कोई कोर्स तैयार कर लेते हैं, तो आप उस कोर्स को कई लोगों को बेच सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि एक बार कोर्स बेचने के बाद आप दोबारा उसे किसी को बेच नहीं सकते, आप जितने चाहे उतने बार अपना कोर्स बेच सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो आपने एक वीडियो बनाई, तो आप उस वीडियो को यूट्यूब, इंस्टाग्राम या फिर किसी और वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर सकते हैं एंड पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों, वो टाइम गया जब पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी और पसीने बहाने पड़ते थे, बट आज अगर आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाते हैं और जिस भी फील्ड में आपको नॉलेज है उस बारे में थोड़ा और रिसर्च करके अपनी कोई बुक, कोर्स बना सकते हैं, तो उसे बेचकर आप अपने लिए एक पैसिव इनकम सोर्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप वीडियो बना सकते हैं तो वीडियो बना लीजिए, या फिर आप लिखकर उसे डिजिटल बुक बनाकर भी बेच सकते हैं। लोग आजकल डिजिटल प्रोडक्ट्स खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं। एक बार आपने कोई कोर्स बनाकर किसी वेबसाइट में डाल दिया या बुक लिखकर उसे अमेज़न पर अपलोड कर दिया, तो उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, लोग आपके पास खुद आएंगे और आपकी चीज खरीद कर जाएंगे। इस तरीके से एसेट्स क्रिएट करने पर कॉस्ट ऑफ री प्रोडक्शन जीरो हो जाता है। जैसे मान लो आपके पापा की ग्रोसरी की दुकान है और अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए आप एक नई दुकान खोलते हैं, तो उसमें अलग से पैसे लगेंगे। पर वहीं अगर आप ऑनलाइन अमेज़न या फ्लिपकार्ट पर अपनी दुकान खोलते हैं, तो वहां आपको दुकान खोलने में कोई पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा। आपको बस एक अकाउंट सेट करना है और बस आपका काम शुरू। इसलिए ऑफलाइन दिमाग लगाना छोड़ो और ऑनलाइन काम करना शुरू करो। नंबर 7, बिल्ड अ यूट्यूब चैनल। आपने बिल्कुल सही सुना, आज के टाइम में कंटेंट ही किंग है। अगर आप अच्छा कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, तो आप पैसे भी कमा सकते हैं। और जहां बात कंटेंट क्रिएशन की आती है, वहां यूट्यूब से अच्छा कोई और प्लेटफॉर्म नहीं है। यहां कंटेंट क्रिएट करके आप न सिर्फ अच्छा पैसिव इनकम सोर्स बना सकते हैं, बल्कि नाम और इज्जत भी कमा सकते हैं। वैसे भी कंटेंट क्रिएशन वन टाइम किए जाने वाला काम है। एक बार आपने अपने यूट्यूब चैनल के लिए वीडियो बना लिया, तो उस वीडियो को आप प्रीमियम में दे सकते हैं या फिर उसे इंस्टाग्राम में शेयर करके भी पैसे कमा सकते हैं। आप लाइफस्टाइल, एजुकेशनल, मोटिवेशनल, एंटरटेनमेंट, फूड ब्लॉग, फाइनेंस, बिजनेस, केस स्टडी जैसी किसी भी टॉपिक पर वीडियो बना सकते हैं। वीडियो बनाने के लिए ज्यादा कुछ लगता भी नहीं है। अगर आपके पास एक अच्छा स्मार्टफोन है और आप में टैलेंट है
कि आप अपनी बातों को अच्छे से लोगों को समझा सके तो स्क्रिप्टिंग और वीडियो एडिटिंग करने से ही आपकी वीडियो बन जाएगी। मान लो अगर आपका YouTube चैनल चल जाता है तो आप YouTube से एडसेंस के थ्रू तो पैसे कमाएंगे ही, साथ ही आपको ब्रांड कोलैबोरेशन और स्पॉन्सरशिप से पैसे कमाने का मौका मिलेगा। इस तरह से आप अपने YouTube चैनल से अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हैं। हमारे इंडिया में ही कई सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो YouTube से आज लाखों नहीं बल्कि करोड़ों में कमाई कर रहे हैं। नंबर 8, कमोडिटीज। हमारी लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है। आज आपकी लाइफ स्मूथ चल रही है पर कल क्या होगा कोई नहीं जानता। आप ही बताओ, किसे पता था कि इंडिया में कभी कोरोना जैसा भी कुछ आ सकता है, लॉकडाउन लग सकता है, पर लगा ना। लोगों को आइसोलेटेड रहना पड़ा। जिस मास्क को कोई कभी पूछता भी नहीं था उसे लोगों ने 15-20 रुपए में खरीदा है। इसीलिए ये सोचना कि मेरी लाइफ तो अच्छी भली है और बैंक में पैसे रखने से मेरा फ्यूचर सिक्योर रहेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि कुछ भी कभी भी हो सकता है। इसलिए अपने पैसों को बैंक में रखने की जगह उसे कमोडिटी में इन्वेस्ट कीजिए। अमीर लोग ये बात अच्छी तरह से जानते हैं, इसीलिए वो अपने पैसे गोल्ड, ऑयल, स्टील जैसी कमोडिटी में अपने पैसे लगा देते हैं। ऐसी बात नहीं है कि इंडिया में लोग रिस्क मैनेजमेंट के लिए सिर्फ कमोडिटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, बल्कि रॉबर्ट कियोसाकी भी पैसों को कैश में रखने या बैंक में रखने से ज्यादा कमोडिटी में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। चाहे आपके पास थोड़ी सी सेविंग हो, अगर आपको कुछ भी ना समझ आए तो भी आप गोल्ड में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि यह कभी भी आपको धोखा नहीं देगी। नंबर 9, एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग पैसे कमाने का बहुत ही अच्छा मीडियम है, खासकर तब जब आपके पास अच्छे खासी ऑडियंस हो या फिर सोशल मीडिया में आपका अच्छा नेटवर्क हो, तो आप आसानी से इससे पैसे कमा सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग में आपको ना तो सस्ते में सामान खरीदना होगा और ना ही आपको कोई प्रोडक्ट क्रिएट करने की जरूरत है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म, चाहे वो अमेज़न हो, फ्लिपकार्ट हो या मीशो, आप उनका एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और उनके प्रोडक्ट का प्रमोशन करके पैसे कमा सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, आप दूसरी कंपनी का भी एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए आपको उस प्रोडक्ट के लिंक को अपने पहचान के लोगों को शेयर करना होगा और उन्हें आपके एफिलिएटेड लिंक को विजिट करके प्रोडक्ट खरीदने के लिए कहना होगा। जब लोग आपके द्वारा दिए गए एफिलिएट लिंक से कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हर खरीदारी पर आपको कुछ न कुछ कमीशन दिया जाएगा। इस तरह आप बिना कुछ किए सिर्फ एक लिंक के थ्रू प्रोडक्ट का प्रमोशन करके अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। वीडियो में अगर आप इतनी दूर तक आ चुके हैं तो आप सच में एसेट्स क्रिएट करने को लेकर सीरियस हैं। इसीलिए अब जो मैं एसेट आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आपने अपने पैसे उसमें इन्वेस्ट किया तो आपको लॉन्ग रन में फायदा ही फायदा होगा। नंबर 10, इंडेक्स फंड। इस बात में कोई शक नहीं है कि एसेट्स में पैसे लगाकर अगर आपको अमीर बनना है तो उसके लिए स्टॉक मार्केट से अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि कंपनी के शेयर में पैसे इन्वेस्ट करके आप अपने पैसे को जितनी तेजी से इंक्रीज कर सकते हैं उतना ग्रोथ आपको किसी भी एसेट्स में देखने को नहीं मिलता है। पर क्योंकि डायरेक्ट कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करना काफी रिस्की होता है, इसीलिए यहाँ इंडेक्स फंड आपकी मदद करता है, क्योंकि इंडेक्स फंड में इंडिया की टॉप 50 कंपनी लिस्टेड होती है। ऐसे में जब आप इंडेक्स फंड में अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पैसे डायरेक्टली टॉप 50 कंपनी में इन्वेस्ट होता है। चाहे आप कोई भी काम करते हो, एसेट्स में पैसे लगाकर अगर आप उससे अच्छे रिटर्न की उम्मीद करते हैं तो आपको अपने पैसे इंडेक्स फंड में लगा देना चाहिए। इंडेक्स फंड में पैसे इन्वेस्ट करके कैसे आप अपनी सैलरी से करोड़पति बन सकते हैं, ये जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक कीजिए। बाकी मैं मिलता हूँ उस वीडियो में। थैंक यू ब्रेन ग्रेन फैमिली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। जल्दी मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ।